इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx का हमको एक ग्राफ दे रखा है, नेगेटिव x लेस देन जीरो में ये इस तरह का ग्राफ है और पॉजिटिव में इस तरह का ग्राफ है. देन वी हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस f ऑफ मॉड x. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है उससे हम f ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाते हैं. एफ ऑफ मॉड एक्स क्लियरली ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, चाहे मैं प्लस वन पुट करूं चाहे माइनस वन पुट करूं, दोनों केस में ही प्लस वन वाली वैल्यू आएगी. तो इसका तरीका होता है कि हम एक्स ग्रेटर टू जीरो के लिए ग्राफ बनाएंगे, फिर जैसा ग्राफ ग्रेटर टू जीरो का होगा उसी ग्राफ को वाई एक्सिस में मिरर इमेज लेके लेस देन जीरो के लिए बना देंगे. तो हमने बना दिया x greater than 0 के लिए. अब less than 0 के लिए f of mod x ये even function हो गया, symmetric about y axis. तो जैसा graph greater than 0 के लिए है इसकी mirror image लेंगे तो x less than 0 के लिए जो graph है वो इस तरह से बन जाएगा. तो this is the graph of f of mod x. Now step to minus of f of mod x. That means यदि इसकी value positive है तो negative हो जाएगी और negative है तो positive हो जाएगी. तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट तो नीचे आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा. तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होगा, ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये तो नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव बन जाएगा. So this is the graph of y equal to minus of f of mod x. So we can check the options. D option mein ye de rakha hai. That means D is the correct option.